नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट एएसपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 27 फरवरी 2024, आज के दिन स्टॉक मार्केट कैसे रहा, निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रही, फिन निफ्टी की आज मंथली और वीकली एक्सपायरी कैसे हो गई है, प्लस कल यानी कि 28 फरवरी 2024 को मार्केट कैसे रहने वाला है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल की ओपनिंग गैप अप होगी या गैप डाउन होगी, या कल निफ्टी और बैंक निफ्टी हमें एक रेंज बाउंड में ही दिखेगा, इन सभी पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। दोस्तों, अगर आपको सैमको में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया है। अकाउंट ओपनिंग आपको टोटल फ्री है, उसमें आप अपना केवाईसी अपलोड करके डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों देखिए, आज था 23 फरवरी 2024, आज के दिन मार्केट हमें एक रेंज बाउंड में ही देखने को मिला। जिस तरीके से आज निफ्टी की फ्लैट ओपनिंग हुई, लेकिन निफ्टी ने आज सुबह जो एक डाउन साइड एक सपोर्ट पर दर्ज किया था, लेकिन निफ्टी ने वो उस लो को बाउंस करके आज हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। निफ्टी आज 22,200 का जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करके हुए आगे चल पड़ा था, लेकिन दिन खत्म होते हुए निफ्टी 22,198 पर आज की क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में हमें एक दबाव देखने को मिला। जिस तरीके से निफ्टी में हमें मूवमेंट निफ्टी और सेंसेक्स में एक पॉजिटिव मूव देखने को मिली फर्स्ट हाफ के बाद, लेकिन बैंक निफ्टी में उस तरीके से मूवमेंट हमें आज देखने को मिली नहीं। बैंक निफ्टी लगभग 250 पॉइंट डाउन था, वो रिकवर होकर सिर्फ 60 पॉइंट की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। उसी तरीके से फिन निफ्टी भी आज हमें एक 60-70 पॉइंट की डाउन साइड की क्लोजिंग आज फिन निफ्टी में भी हमें देखने को मिली। अभी ये तय करना है कि कल 28 फरवरी को मार्केट में कैसे ट्रेंड रहने वाला है। दोस्तों, अभी परसों के दिन ही मंथली और वीकली एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, उसको देखते हुए मार्केट इसी तरीके से ही आगे रेंज बाउंड ही रहने वाला है कल और परसों। आप ज्यादा मूवमेंट या ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा होने की संभावना नहीं है। आपको लगेगा वन साइड मार्केट तो रहने वाला नहीं है दो दिन। निफ्टी जिस तरीके से 70-80 पॉइंट ऊपर जाता है, उसी तरीके से वो 70-80 पॉइंट नीचे भी आ रहे हैं, और यही रेंज बाउंड हमें आगे चल के दो दिन में देखने को मिल सकता है। ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस टिक मार्क करने होते हैं। उस सपोर्ट के आसपास आते हैं तो आपको कॉल बाय करके चलना है, और उस रेजिस्टेंस के आसपास आते हैं तो आपको पुट बाय करके चलना है, और छोटे छोटे प्रॉफिट आपको बुक करना है। यही अभी फिलहाल मार्केट में आपको सर्वाइव करना हो तो यही दो तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप वन साइड मूवमेंट के लिए रुकते हो, वन साइड मूवमेंट के लिए आप खड़े रहते हो, रुकते हो, तो आपके हाथ में निराश ही आने वाली है, क्योंकि आप कॉल के पोजिशन लेते हो, आपके कॉल की प्रीमियम बढ़ती है, लेकिन उस ऊपरी स्तर से जो जोर से मार्केट नीचे आता है, उस गिरावट में हमने जो कॉल का प्रीमियम लिया था वो आधा हो जाता है, और उसी तरीके से पुट की भी वही हालत है। अगर आप निचले सर से पुट बाय करते हो, अगर मार्केट एक 50-60 पॉइंट भी ऊपर जाता है तो अपने प्रीमियम की प्राइस घटती जाती है। अब देखते हैं ऑप्शन चेन में कैसे हमें कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या क्या हो गए वो हम सब देखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर, वहाँ पर देखते हैं निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और टोटल कॉल राइटर और पुट राइटर कितने खड़े हैं मार्केट में, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी यहाँ पर देखना है कि 22,300 पर 152,035 यहाँ पर कॉल राइटर की ओपन पोजिशन है। तो साइकोलॉजी यहाँ पर देखे तो ये 22,300 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा कल और परसों दो दिन के लिए। लेकिन दूसरी साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पर
22,100, मतलब 22,100 पर 1,25,102 यहाँ पर पुट राइटर की ओपन पोजिशन है, यानी कि कल के लिए मार्केट में हमें एक 22,150 से 22,250 के आसपास घूमता हुआ दिख सकता है मार्केट। टोटल अगर कॉल राइटर देखते हैं तो मार्केट में टोटल कॉल राइटर है 25,87,254, यहाँ पर कुल कॉल राइटर की ओपन पोजीशन है जो कि अभी मंथली एक्सपायरी के 2 दिन के 2 दिन बाकी उसमें रहे। तो दूसरी तरफ है पुट राइटर, जहाँ पर 23,20,230 यहाँ पर पुट राइटर की ओपन पोजीशन है यहाँ पर निफ्टी की। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं। बैंक निफ्टी की यहाँ पर देखे तो अगर हमें देखना हो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो रहता है, एक सेकेंड, तो देखिए 2 लाख यहाँ पर 46,000 47,000 सॉरी 47,000 यहाँ पर सबसे बड़ा कॉल राइटर की ओपन पोजीशन है। लगभग 2,70,015 यहाँ पर कॉल राइटर की ओपन पोजीशन है। और अगर पुट राइटर अगर देखे तो पुट राइटर देखे तो 46,500 यहाँ पर 1,82,017 यहाँ पर पुट राइटर की ओपन पोजीशन है। यानी कि कल बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट जो दायरा होगा वो 47,000 और 46,500 से लेकर 47,000, यानी कि ये 500 के बीच में कल हमें बैंक निफ्टी में हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। जिस तरीके से अगर बैंक निफ्टी 46,500 पे आता है तो उस तरह हम कॉल बाय करके चलेंगे, अगर 47 के आसपास आता है तो हम पुट बाय करके चलेंगे। तो दोस्तों ये थी कल की 28 फरवरी 2024 की मार्केट प्रिडिक्शन। आपको अगर कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए, और आपको क्या लगता है कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। दोस्तों अगर आपको सैमको सिक्योरिटीज में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया है, वहाँ पर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और शेयर या इंडेक्स की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आपको सैमको का, ठीक है।